Welcome to Weekend Tricks and let's unbox the new Canon E1300D DSLR. चलिए गाइस अनबॉक्स करते हैं अपने DSLR को. सो ये है EOS 1300D. तो चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं और इसके साथ आपको मिलेगा इसका एक बहुत ही बकवास सा बैग. सो इसके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं. सो यार अनबॉक्सिंग का क्या बताऊं, मैंने इसको जब ये आया था तो इसको मैंने अनबॉक्स तो बहुत अच्छे से किया था, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा फोन जब भी मैं इसको बीटा से स्टेबल करता था तो रोज तो होता नहीं था और आज हो गया और सारा डाटा डिलीट हो गया और अब कुछ नहीं बचा है. सो अब मेरे पास यही है, लेकिन फिर भी यार फील आनी चाहिए तो मैं आपको फील दिलाऊंगा इसकी अनबॉक्सिंग की. सो सबसे पहले तो इसके साथ आपको क्या क्या मिलेगा, ये लाइटनिंग को क्या हो रहा है, वाह. सो चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं. सबसे पहले तो इसके साथ आपको एक बैग मिलेगा जो कि सच बताऊं तो बहुत ही बकवास है, और 20,000 रुपए देकर ऐसा बैग मिले तो ऐसा लगता है बहुत ही बकवास चीजें हो गई. ज्यादा अच्छा तो मेरे को लगा नहीं, लेकिन फिर भी आपको एक ऐसा बैग मिलेगा जिसमें ऐसा स्पेस होगा जिसके अंदर आपका कैमरा आराम से आ जाएगा. ये एक जो भी है कवर सा, इसके यहाँ पर आप डाटा केबल या जो भी आपको रखना होगा वो रख सकते हैं. एक इसमें यहाँ पर थोड़ा स्पेस है और यहाँ पर भी काफी इसमें कुछ दिया गया है, और इसके साथ एक पीछे भी एक थोड़ा सा स्पेस है, लेकिन फिर भी ये बैग कुछ ज्यादा खास नहीं है. लेकिन चलिए छोड़िए इसको, DSLR को अनबॉक्स करते हैं. DSLR के साथ आपको सबसे पहले अनबॉक्स को जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपको मिलेंगे कुछ मैनुअल्स. इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि YouTube में किसी ने तो इसकी वीडियो डाली ही होगी. चलिए अब इसका असली कंटेंट देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है. इसके अंदर क्या क्या है, एक तो DSLR होगा, दूसरा केबल जिसके साथ आप अपने इस DSLR को चार्ज कर सकते हैं, तीसरा लेंस जो कि बहुत ही जरूरी है, चौथी बैटरी जिसके बिना इसका कोई काम ही नहीं है, पांचवा बैटरी चार्जर जिसके बिना बैटरी का काम नहीं है, और छठा मेमोरी कार्ड जो कि इसका सबका ब्रेन तो नहीं है लेकिन बाप हो सकता है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसको कैसे कैसे करना है. सबसे पहले तो मैं इसको असेंबल कर लेता हूँ क्योंकि मेरे को चलाना तो आता है नहीं, लेकिन फिर भी ट्राई करेंगे. सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपको इसके अंदर जो जो भी मिलेंगी चीजें वो क्या क्या है. ये है आपका बैटरी चार्जर, और इसमें आप यहाँ पर ऐसे बैटरी लगाएंगे ऐसे, और उसके बाद ये इसकी एक चार्जिंग केबल है जिसको आप यहाँ पर ऐसे अटैच करेंगे और फिर आप इस बैटरी को चार्ज कर सकते हैं. इसमें यहाँ पर दो LEDs दी गई हैं, एक चार्ज के लिए और एक फुल के लिए. जब चार्ज हो रही होगी तो रेड होगी, जब फुल होगी तो ग्रीन हो जाएगी. और चार्जिंग के लिए आई थिंक ये 3 से 4 आवर्स लगा देता है चार्जिंग के लिए. फिर भी और चार्ज करने के बाद ये ज्यादा नहीं, एक दिन से भी कम टाइम मतलब लेता है और खत्म हो जाती है इसकी बैटरी. चलिए आप इसको तो छोड़िए. और ये है आपका लेंस, और लेंस में ये है इसका कवर जो अगला इसको ऐसे ओपन करेंगे, और पीछे एक इसकी कैप जिसको आप ऐसे ओपन कर सकते हैं, और इसको मैं यहाँ रख देता हूँ. एक SD कार्ड, 16GB SD कार्ड आपको इसके साथ मिलेगा, और इसमें आप काफी फोटो स्टोरेज कर सकते हैं. एक फोटो 11 से 15 MB के बीच में आता है, और कई बार वो 20 MB का भी हो जाता है. और फिर ये आ गया हमारा सबसे मेन जो कि है DSLR. तो यहाँ पर सबसे आगे एक कैप लगी होगी जहां पर आप अपना लेंस अटैच करेंगे. देखिए इस लेंस को कैसे अटैच करना है. सबसे पहले आपको यहाँ पर लेंस में यहाँ पर दो डॉट दिख रहे होंगे, ये व्हाइट डॉट दिख रहा होगा, और ऐसा ही डॉट यहाँ पर एक यहाँ पर भी है. ये देखिए आपको इस डॉट को इसके साथ यहाँ पर ऐसे अटैच करना है. उसके बाद ये बटन दबाना है और फिर इसको धीरे से इस तरफ मोड़ना है. देखिए अब हमारा जो DSLR है वो आधा रेडी हो चुका है. अब इसमें जो मेन चीजें हैं वो है इसकी बैटरी जो कि यहाँ पर डलेगी. ये है एक कैप, इसको आप ऐसे ओपन करेंगे, और यहाँ पर ये है बैटरी, और ये है इसमें 4 पिंस, और इसके अंदर देखा जाए तो 3 पिंस ही है. इसको आप ऐसे लगाएंगे, ये आपकी बैटरी अटैच होगी, और ये है SD कार्ड जिसको आप ऐसे नहीं तो या फिर ऐसे लगाएंगे, और ये SD कार्ड भी अटैच हो गया. अब इसको बंद कर देते हैं. अब यहाँ पर देखिए मेरे को भी DSLR यूज करना नहीं आता है क्योंकि मैंने पहली बार ऐसा DSLR लिया ऐसा नहीं पहली बार DSLR लिया है,
और तो चलिए देखिए, सबसे पहले इसमें क्या है कि ऊपर एक बटन दिया हुआ है ऑन ऑफ का, सो इसको यहाँ से ऑफ कर दिया मैंने, इसको यहाँ से ऑन कर दो और आपका जो DSLR होगा वो ऑन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए, देखिए ये जो बटन दिया हुआ है ये फोटोज को कैप्चर करने के लिए दिया है और फोकस करने के लिए, जैसे कि जब आप इसको ऑटो फोकस में रखेंगे तो जब आप इस बटन को ऐसे दबाएंगे, देखिए मैं आपको टेस्ट करके दिखा देता हूँ, ऑटो फोकस आपको यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा, ये जो लेंस है, रुकिए पहले मैं इसके ऊपर फोकस कर लेता हूँ, ये देखिए ऑटो फोकस यहाँ से सिलेक्ट होता है, आपको मैनुअल फोकस रखना है या फिर ऑटो फोकस रखना है, और ये है स्टेबलाइजर जो कि इमेज या फिर आप जो भी वीडियो शूट कर रहे होंगे उनको स्टेबलाइज करेगा और उसके बाद ही फोटो कैप्चर करता है। तो अभी मैं इसको ऑटो फोकस पर रखता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि इसमें कैसे शॉट्स आते हैं। सो देखिए आप इसको देखते रहिएगा फोकस कैसे होता है, ये देखिए ये फोटो इसने खींच दिया क्योंकि मैंने इसको ऑटो फोकस पे रखा हुआ था। अगर आपको मैनुअल फोकस करना होगा तो अगर देखिए अगर आप इसको ऐसे घुमाने लगेंगे तो ये खराब हो सकता है, इसलिए आपको इसको मैनुअल फोकस में करके या ऐसे घुमाएंगे तो आराम से, बहुत ही आराम से घूम जाएगा। और ये है इसका जूम करने के लिए, और तो उसके बाद ये है एक डायल जहां से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन सा मोड रखना है, जैसे फ्लैश, ऑटो मोड, वीडियो के लिए सबसे एंड में है, और ये फूड मोड, स्पोर्ट्स मोड, काफी मोड इसमें दिए हुए हैं। और ये है इसकी फ्लैश के लिए, मैं आपको दिखाता हूँ फ्लैश कैसे होती है। सबसे पहले देखिए अभी मैंने फ्लैश डिसेबल रखी है, आप इसको ऐसे रखेंगे और जब आप फोटो खींचने की कोशिश करेंगे तो ये फ्लैश खुद ब खुद ओपन हो जाएगी, देखिए हो गई। अब देखिए मैं फोटो खींचता हूँ तो ये अभी थोड़ी देर पहले फ्लैश चली थी। देखिए मैं इसमें एक और चीजें बताता हूँ आपको, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि एक ये बटन है, अगर आप इस बटन को दबाएंगे तो ये आपके यहाँ पर एक डिस्प्ले आ जाएगी जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भी आपका जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी आप यहाँ से वीडियो बना सकते हैं आराम से, ये देखिए। लेकिन जब आप इस बटन को दबाएंगे तो ये स्क्रीन चली जाएगी, ये इसलिए चली जाएगी क्योंकि अब आपको इसके अंदर दिखेगा, यहाँ से इसके अंदर आज से आपको यहाँ पर दिखना स्टार्ट होगा, लेकिन अगर मैं इसको दबाऊं तो वो बंद हो जाएगा। देखिए मैं इसको दबाता हूँ, वो बंद हो गया और अब आपको यहाँ पर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। सो अभी तक मेरे को कुछ ऐसी ऐसी चीजें पता चली हैं। उसके बाद ये जूम करने के लिए है, यहाँ से गैलरी निकलती है, और उसके बाद ये मेन्यू के लिए है, और सबसे अच्छी बात इसमें वाईफाई भी है जहां से आप अपनी फोटो भी सेंड कर सकते हैं या फिर आप अपने फोटो यहाँ पर केबल लगाकर भी सेंड कर दे सकते हैं। बुरी बात इसमें ये है कि ना तो इसमें टच स्क्रीन डिस्प्ले है, और चलिए 20,000 में टच स्क्रीन नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, ना ही इसकी डिस्प्ले फ्लिप होती है वो भी छोड़िए, और ना ही इसमें माइक लगता है। लेकिन फिर भी 20,000 में आपको जो DSLR मिलेगा इसमें आपको ऐसी ही चीजें मिलेंगी। अगर आपको वैसा DSLR चाहिए तो उसकी कॉस्ट हो सकती है 30 से 35 हजार या फिर 40-50 हजार, उसकी कॉस्ट हो सकती है। अभी मैं इसमें सिंगल लेंस यूज कर रहा हूँ जो कि है 18 mm to 55 mm, ये आपको इसके साथ आएगा, लेकिन अगर आप इसका दूसरा लेंस लेना चाहते हैं जो कि है आई थिंक 55 mm to 250 या फिर उससे ज्यादा होगा कुछ, तो वो आपको 10,000 रुपये का पड़ेगा, तो वो भी आप इससे ले सकते हैं। तो चलिए आप देखते हैं इसके कुछ वीडियो सैंपल और फोटो सैंपल और मैं आपको दिखाता हूँ।